गुजरात के इलाका कोटला में प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग और लाखों रुपए बत्ता वसूली केस में नया मोड़ आ गया। साबिक मशहूर वजीर आला पंजाब चौधरी नईम रजा कोटला और उनके साथी अदालत में पेश हो गए। फायरिंग बत्ता केस में अदालत से अबूरी जमानते मंजूर हो गयी। प्रॉपर्टी डीलर मुदस्सर सुबहानी से बत्ता नहीं मांगा और न ही फायरिंग की है। चौधरी नईम रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना कुकराली में मुकदमा की तफ्तीश में क्या कुछ होगा, देखिए अल हिजाज न्यूज पर आकाश न्यासी की इस रिपोर्ट में। अपने साफी भाइयों को डेरा चौधरी शायद रजा चौधरी नईम रजा आमद पर खुश हमदीद कहते हैं और आपके मशकूर हैं कि आप हमारी दरखास्त पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। कल एक मकामी MNA नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम एक खुली धमकी और लगाम नमा थी। अब मैं बात करूंगा कि MNA के दाएं तरफ और बाएं तरफ जो लोग दोनों बैठे हुए थे वो किस शोहरत के मालिक हैं। जो मेरे कोटले के साफी भाई हैं ये जानते हैं कि 2000 को 2000 सन 2000 में यह स्कूटा नामी शख्स चाय देता था और जितना भी लैंड माफिया का काम इसने किया, लोगों के जदातों पर नजायज कब्जे किए, फ्रॉड किया और लोगों को एक कप चाय पिला के उस वक्त सादा जमाना था, इंतकाल जो है वो तहसीलदार पटवारी या ई बयान लेके करता था। अंगूठे लगाने के बाद इसने बोलना चाय पिलाने के बाद मैं पैसे आपको घर भेज दूंगा। एक नहीं हजारों वाकया है कि इसने ना किसी को पैसे दिए और ना ही उन लोगों की जमीन पे इसने कब्जा करके बेच के आबद रजा को फायदा दिया। आज जब 3 साल से ये कब्जा करने में नाकाम हो गए तो एक मसनूई ड्रामा किया गया कि अपने घर पे खुद फायरिंग करा के उसको हाईलाइट किया गया जी हम बत्ता मांगते हैं। जो आदमी 2002 में नईम रजा साहब को चाय देता था, नईम रजा साहब उससे बत्ता मांगेंगे। और जो दूसरी तरफ बंदा बैठा हुआ था जो बोलता है मैं पार्टनर हूं तसव्वुर नामी आदमी, मैं आपको बताता चलो कि हाजी लतीफ मडीर जिसके ग्वाब राय तवान का 1 करोड़ रुपया इसने वसूल किया और 4 आदमी जो ग्वाब राय तवान में इसके साथ थे, श्रीया रोड पे पुलिस मुकाबला हुआ, इससे 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ और आबद रजा ने इसको ग्वाब राय तवान से हाजी लतीफ मडीर से राजीनामा लेके 780 की अदालत से बरी करवाया। ये वो लोग थे। स्कूटे के खिलाफ सैकड़ों FIR थाना कुकराली में कब्जा की और लैंड माफिया की और बेगुनाह लोगों को इसने मुख्तलिफ उजरती कातलों से सुल्तान मीरा साहब ने तफ्तीश की तो 6 आदमी इसने उस वक्त रफानुद्दीन साहब MPA थे, 6 आदमी इसने पैसे लेके उस वक्त के वहां पर आन के जो लोग इश्तिहारी थे उनसे इसने कत्ल करवाए। मैं आपको याद दिलाता चलो कि 2008 में ये कब्जा करने गई है सारी टीम, वहां एक बीबी मर्डर हो गई और आपने इसकी हालत हवालात में भी देखी, फिर बाद में भी देखी, फिर इसने पुलिस मुकाबले के मुकदमे में इसको सजा हुई 780 की, उसके बाद ये हाईकोर्ट से बरी हुआ। ये इनका रिकॉर्ड है जनाब। मैं मीडिया को कोटले के जो मेरे दोस्त है ये वो बखूबी जानते हैं कि ये किस समाज के लोग हैं और इन्होंने सिर्फ ये अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए मेरी ISI MI और पुलिस इंतजामिया से दरखास्त है कि इस आदमी के किरदार को चेक किया जाए। मैं नैब से अपील करता हूं कि नैब इसके साजा चेक करे कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया जो कल चाय देता था। इतना मामूली आदमी जो चाय लेता था उसके लिए आबद रजा को आज क्या तकलीफ होगी कि उसको उसके घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई इसके दफा के लिए, क्योंकि ये उसका चेता है। इन्होंने खुद साख्ता फायरिंग की, अपने आदमियों को इन्होंने मास्क लगवाए, उनसे इन्होंने एक आधा ब्रेस्ट लगवाया और सुबह ये इंतजार के तो करते कि FIR हो गई है इसकी इन्वेस्टिगेशन आ जाए, कौन उसमें गुनाहगार है कौन बेगुनाह है, कायक मंत्री आम पर रहने देते, इन्होंने इतनी जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जनाब जी मैं इनकी हकीकत बयान करता चलू कि जो असली चेयरमैन साहब हैं 2-3 साल कबल उन्होंने जश्न ईद मिलादुल नबी पे झंडे उतरवाए बाजार से, जब पोलू से झंडे उतरे तो मैं सवाल करता हूँ कि उस वक्त इनके गनमैन मसल्ला
बाजार में ताजरू को मारने के लिए घुसे, उनकी उठ फुटेज भी मौजूद थी। उस वक्त तो डीपीओ ने कोई पर्चा नहीं दिया, उस वक्त अब्दुल्ला साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उसका भाई था और इसके गुंडों की फुटेज भी चली जो के, लेकिन कोई पर्चा नहीं हुआ। दूसरी बात मैं करता चलूं, जो एमपीए साहब है मसूर के मसूफ के भाई शबीर अहमद साहब, आप जानते हैं जो लुकमान बनियाल एक शरीफ आदमी है, बिम्बर रोड पे उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके मार्केट बनाई हुई है, और खुद आज नसरुल्ला बन के एक स्कूटा और एक पाशा जो नाम नहाद प्रॉपर्टी डीलर बना दिए जो गुंडे हैं उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ये असल में देख रहा है कि ना तो इनको जिली चेयरमैन के लिए उम्मीदवार मिल रहे हैं, और ये अपनी काबिलियत से शिकस्त जो है वो वाजिया देखते हुए चौधरी बरादरान हमारे मौसम है उन पे ये कीचड़ छाल रहे हैं। जब इसको अपनी मुसा लाई साहब के मुकाबले में इसको अपनी शिकस्त वाजिया हो गई है, और ये समझता है कि अब मैं डूबती कश्ती अपनी सियासत को बचाने के लिए नईम रजा साहब पे इल्जाम लगा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह नईम रजा साहब का ना ये स्टेटस है, और जनाब का किरदार तो ये है कि खैर कर तो एक मौलवी यूनुस नामी आदमी था, उसको डेरे पे बुलाया, वो ना आया उसको मरवा दिया। इसका आदमी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजलूम का साथ दिया, इसका आदमी आज भी कुछ लाहौर कोट नागपा जेल में 25 साल की सजा भुगत रहा है नामी आदमी। मैं बताता चलूं जनाब का किरदार कि जनाब शहीद असलम बोला आपका गनमैन था राजपुर वाला, उसने एक खतून के साथ बलफेली की, आप एमपीए थे उस वक्त आपका इरफानुद्दीन, और आपने वो पर्चा होने दिया। जब मीडिया पे चला एआरवाई पे वो एफआईआर हुई, वो 14 साल सजा गुजरात जेल में भुगत रहा है। जनाब का तो ये रिकॉर्ड है कि खुद 788 के मुल्जम रहे हैं, 25 से जायद एफआईआर है एमएलए साहब पे, मशरूम हमला केस में भी जनाब मुल्जम रहे हैं, और अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए मुख्तलिफ बहाने कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं मेरे घर पे कोई फायरिंग कर गया, मरियम नवाज ने आना था तो खुद सख्त ड्रामा किया कि जी चौधरी बरादरान ने मेरे घर पे फायरिंग करा दी, सिर्फ इसलिए किया कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। जनाब को 10 साल एमएलए थे, जनाब बोलता नहीं चिड़ियावले में भी इनका ये काफली का चेहरा ये है। वहां मलिक साजद साहब जानते हैं आप एक शरीफ आदमी है, बच्चों की लड़ाई हुई कुदरती वहां मर्डर हो गया, और मुलजम चलान होके जुडिशल गुजरात जेल में गुनाहगार लिखने हुआ, काफली ने कोई मदाखलत नहीं की। और जनाब के दौर में मैं बताता चलू एक दमक वाला शख्स इसके साथ होता है, उसने सिर्फ इसलिए एक टीचर को और उसके बाप को कत्ल कर दिया जी, उन्होंने एक बच्ची की मदद की, उन्होंने अब से बेजा में रखा हुआ था, अमेरिका एम्बेसी को बोला कि जनाब इसको रिकवर करके वो बाहर ले गए, इन्होंने वो टीचर और उसका बाप कत्ल कर दिया। जनाब की दास्तान ये है। जनाब मैं आगे बताता चलू जनाब एमएलए साहब, जब आप पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की छतरी थी, आपका इकतदार था, तो आपने ककराली में मोहम्मद अख्तर को सिर्फ इसलिए बेदर्दी से कोटला में कत्ल करवाया में, कि आपकी कार उधर गुजर रही थी उसका ट्रैक्टर आगे था, सिर्फ इस छोटी सी गलती पे उसका खून बहा दिया गया। क्या जनाब को उस वक्त इकतदार की ताकत के नशे में याद नहीं था? उस वक्त मीडिया ठीक था, उस वक्त इंतजामिया ठीक थी, जब आप कत्ल करते थे तो कोई आदमी चलान नहीं होता था। क्या अख्तर के केस में मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दीजिएगा, क्या अख्तर के कत्ल केस में कोई आदमी जेल गया तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आज शान बराना जिस केस में बरी हुआ है, ये कालस का बोल रहा है मास्टर जहाज का हमदर्द बन रहा है, पोलिंग वाले दिन रजाए लाई ने इसको अपने पोलिंग कालस में ना घुसने दिया, इसने मराने को बगैर बताए रजा लाई को कत्ल करवा दिया, और कत्ल का खमियाजा मराना खानदान भुगतते रहे। जब हमने एक पॉजिटिव कोशिश की मराना खानदान की और मास्टर जहाज की सुलह की, जिस कट में मलिक हनीफ साहब भी थे और थाना ककराली के सैकड़ों लोग उस राजीनामे के कट में शामिल थे, तो जनाब ने रातों रात मास्टर जहाज को किसी भी तरीके से शिरोमाल बनाकर वो हमारी अमल की कोशिश को खत्म कर दी। तो जनाब बोलते हैं काबली का अमल खराब कर रही है। जनाब बताए कि जनाब का हर रोल जो है वो मनफी रहा है, और कल आप जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, कोई आदमी ये बात मानता है कि स्कूटर से भी कोई बच्चा लेगा जो पूरी दुनिया को लूट के ले गया है?
और वो नजर ही नहीं आता जमीन पे, छोटा सा टैनू है। ये 5-6 आदमी का ग्रुप है जो लैंड माफिया है, जिन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, अब नहीं होते, चीखें निकल रही हैं। और यही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मब्बा था सर। ठीक, मैं अब आपसे ज्यादा चाहूंगा, तमाम कायक आपको बता दिए और इंतजार करूंगा कि एमएनए साहब या उनका कोई तर्जमान थाना ककराली में काफी सारे जो है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दें, तो फिर इंशाल्लाह मजीद गवाह भी पेश करेंगे, सबूत भी देंगे। नैब से अपील करता हूँ, वजीर आला पंजाब से अपील करता हूँ, FIA से अपील करता हूँ कि इनके अकाउंट चेक किए जाए, इनके सासा चेक किए जाए। और जो जो लोग मीडिया के जरिए, मैं दरखास्त करना चाहता हूँ आप भाइयों के जरिए कि जो जो लोग इनका मुतासरीन है वो हमारे से रब्ता करें, ताकि नैब के पास जाए, FIA के पास जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सो मोटो एक्शन लेते हुए इस कब्जा ग्रुप से थाना के करारी की आवाम की जान जाए। थैंक यू। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں تمام میڈیا حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آئے ہو، تشریف لے کے آئے ہو. دو دن تو اتھے کوٹلہ بلی خان دے وچ جو کچھ ہو رہا، میں اتھے موجود نہیں تھا، پچھلے ہفتے تو باہر چلا گیا، سندھ گیا ہوا، آیا واپس چلا گیا اسلام آباد، طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ چلا اتھے کوئی فائرنگ ہوئی اور پھر ایسے کرتے ذریعے پتہ چلا کہ میرے سے ایف آئی آر ہو گئی۔ میں نعیم رضا چودھری عبد المالک صاحب کا بیٹا، کوٹلہ اور بلی خان رہا سی، کوٹلہ اور بلی خان تو شروع کرنا، کوٹلہ اور بلی خان دی عوام نو بچپن تو جان دی، لوگ بھی جان دے نے، 95 دے وچ میں واپس وطن واپس آیا، 95 تو لے کے اج دن تک میرے دوران میں بہت ساری آزمائشوں میں بھی گزرے ہیں، سٹل ہیں، چاہے کہ وہ میرے والد یا بھائی دے معاملات سن، تو ساری خاندانی دشمنی سی۔ دکھ اس گل دا ہے کہ میں اپنی زندگی ساری اس حلقے دی عوام اور اپنے خاندان واسطے گزاری ہے، اپنی ذات واسطے نہیں گزاری، اور اللہ رب العزت نے وہ مینوں توفیق بھی دیتی اور میری مدد بھی فرمائی کہ میں اگر جنگ دی حالت رہی ہے تو اللہ رب العزت نے وہ بھی مینوں ثابت قدم رکھا ہے، اور اگر میں سیاست بھی آیا 97 نے شروع کی تھی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے مینوں ثابت قدم رکھا ہے۔ میں 95 اس لیے اپنے بڑے بھائی کی وفات تو بعد آیا، میں بزنس مین کی حیثیت نال زندگی گزار رہا، میں اتنے رہنا، اور میری کوشش ہوتی اور میرے چھوٹے بھائی کی اور میرے ساتھیاں نے اس حلقے دے وچ عمل ہوئے، میری سابقہ زندگی تسی دیکھ لو کہ میں اس علاقے دے وچ امن لے کے آنے والا بندہ، میں اس کوٹلے نو امن اور اس کوٹلے شہر نو کاروباری معاملات دے وچ تفضل فراہم کیتا، چاہے وہ میں MPMN ہے سا یا نہیں، لیکن کوٹلے دی گل کردا رہے، کوٹلہ اور بلی خان دی گل کیتی ہے۔ عبد رضا میرے باپ دی اولاد ہے، میں زیادہ گلیز گفتگو نہیں کرتا، نہ میں پسند کرنا، ثبوت تواڈے سامنے کہ 2008 تو ان چھوٹے بھائیاں نو چھڈ کے علیحدہ ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی شاہد رضا نال ہر جگہ تے جتھے کوئی غلط ہویا میں انہوں غلطی کہیا، جتھے ٹھیک ہویا انہوں میں ٹھیک کہیا، چاہے میرا مخالف ہویا اور چاہے میرا ساتھی ہویا۔ میرے اسی پراپرٹی دے مالک ہاں، ساڈے بہت سارے ایشوز ہوندے نے، عبد رضا نہ میرا کرایہ کلیکٹ کرتا ہے ذات خود، تے نہ تنویر تے نہ شبیر، جڑے لوگ کردے نے انہوں سے ضرور پوچھنے بھائی ساڈا ایسا کیتے تسی کیوں انوالومنٹ کرتے۔ عبد رضا نے میرے تے الزام لگایا، مردان نے حرکت نہیں کیتی، پتا گروپ نہ میرا باپ سی نہ میں، نہ میرے میرا بھائی ہے تے نہ میری کوئی ساری اولاد وچ، اللہ کرے کوئی ایسا شخص ہو گئے، حق دی گل کرنے اپنے دی بھی تے لوکاں دی، لوکاں دے حق واسطے زور لانے ہیں، اپنے حق تے صبر کرنا، اپنے حق تے صبر کرنا،
वरना डेरा चौधरी अब्दुल मालिक जड़ा है वो मेरा ओडा ही घर है जिडा मेरे दूसरिया भाइया मैं नहीं कहता कि मेरा ज्यादा है तो दूसर भाइयों का डर वालद की जायदाद सब भाई बराबर के शरीक हैं की कुरबानी चाहते ने कोटले वाले और मेरे तो थानू को बंदा घर नहीं जान देता लड़ाई कर देंगे दे। सारा दिन मैं इन्होंने मामलात भी रहना पुलिस नाल भी रबते भी रहना इंतजामिया नाल भी लोगों ने सुलह भी कराने मेरी 3 साल तो मैं रह रहा तुसी सारे मीडिया हजरात भी जान दे जो अफसरान पुलिस वाले रह गए चले गए हैं और जो मौजूद है इतने वकील राजा साहब वो भी जानते हैं कि मैं हमेशा जो भी इंतजामिया रबता किया किसी के हक वास्ते किसी की सुलह करके किया या उन्होंने टाइम लिया कि मैंने वक्त दे उन्होंने जमीन के मसले में मैं सुलह करा दिया इन्होंने मसला हल कर अपनी गल तो ना मैं अपनी क्या देना कदे की है तो ना मैं इंतजामिया ना की इस गल किसी तरीके अमन भाल रहे कोटला शहर के लोग आजाद रहन और अपना कारोबार अच्छे तरीके ना कर साड़ी वजह तो कोई परेशानी ना आए किसी को तकलीफ ना आए हूँ अगर अब्दुल रज़ाक साहब इस गल नहीं समझते खाते भी जाते ने रोंद भी जाते ने मैं डिवाइजर भी सीएम का रहा अज भी अलहमदुल्ला अगर चौधरी बजाज साहब इकतदार भी तो नहीं मरदा भी इकतदार ठीक है मैं सवाल करना यह जो मेरे भाई छोटे खाते ने रोंद ने बड़का भी मारते ने भी झूठिया जी इन्हों कद पूछा जी थोड़ा कारोबार की सुरज ने थोड़े को अब्दुल रज़ाक साहब के 8-10 करोड़ दिन गड्डिया लैके निकलते हो काम है कि पैसे आए थे आखिर तो मैंबर नैशनल असैम्बली है नैशनल असैम्बली के मुजीन लोग बैठे हैं उसे अल्लाह रब इज्जत नवाजे मुल्क के फैसले करते हैं इन भी पूछ लैन कि अब्दुल रज़ाक तू कौन है इतों आए हैं ये जो कुछ तू लैके फिर रहे हैं कितों लैके फिर रहे जिथे तू बैठे हैं जिस जिन्हों तख्त करना है तख्त की लड़ाई है अगर उसको मैं तख्त समझता अगर मैं इकतदार वास्ते लड़ना चाहता अगर मैं दौलत वास्ते लड़ना चाहता तो सब तो पहला लड़ाई तो मेरी अब्दुल रज़ाक नाल सी और मैं लड़ भी सकना मैं भड़का तो मार दे ही नहीं मैं तो जो कहना अल्लाह को मदद लैके कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और वो अल्लाह मेरे को पूरी करा दे हूँ क्योंकि बहुत घटिया और गलीज मामला भी चला गया तो मैं चाहना अब्दुल रज़ाक तू यार छोटे छोटे लोग बैठा के दाएं बाएं ना आवाज करा तू यार सानू आवाज दे हर डेरा चौधरी अब्दुल मालिक नहीं होता एक तकदस है साडे बाप दा घर है तू मनु आवाज दे जना बन तू सलारे काफला खवाना है तू बहुत कुछ खवाना है वो एक लिबास भी तैयार ना यार अवाम का खिदमत गुजार बन या चौधरी अब्दुल मालिक का बेटा बन के उन्हों का खिदमत गुजार बन तो जे तू सुनते रसूल चेहरे से इतनी लंबी रखी है तो तू अपने भाइयों का हक लै आ रहा है असं बर्दाश्त कर रहे हैं कि तू सा उत्तू की कदम उत्तू की चढ़ के लंघ जाना है साड़ी औलाद उत्तू की भी लंघ जाना है असं तेन रोकते नहीं कि हैंडीकैप है या जरूरत नहीं है या जेडे काम तू करना है ये सानू नहीं आते हैं सारा कुछ आंदा है मेरी दरखास्त है आवाम अगे इस बंदे की असल हालत को देखो और खास कर मैं इंतजामिया के खिलाफ तो कदम बोलिया नहीं लेकिन मैं क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी मेरे मामला तो होंगे तो जिसमें कोई गरीब मजलूम आदमी जाता है तो मैं एस एच ओ साहब आते जी वो ये दरखास्त आई है सानू जरा देख लैन दो तुम मेरे तो पते की दरखास्त की एफ आई आर दे रहे हो और मैं पूछ ही नहीं रहे हो ना जो इनकुआरी कर रहे हो एडी तो आर पी ओ साहब न या डी पी ओ साहब नी चलती आर पी ओ साहब के भी इतराम करने हैं और रिक्वेस्ट करने हैं कमिश्नर गुजरांवाला रुफ्तार कोमल साहब आर पी ओ साहब डी पी ओ साहब अगे मामलात को देखा करो इंतजामिया के मामलात होने चाहिए ना इलाके अमन कायम रहे जो इंतजामिया उठ के वह अमल करेगी जिदा इंतजार पैदा होगा तो फिर साढ़ा की हाल होगा साढ़े ना जो ज्यादती हो जो इल्जाम तराशी हुई है सबर नाल उन्हें देख रहे हैं और सबर के रह के इंशाला तला असि ये जो इल्जाम लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत सू जो खैर नाल बाहर कढ़ेगा मैं
फिर रब दरदा नूं कहना कि तू जिहड़ा है हर गल चौधरी बरादरां नाल, चौधरी बरादरां नूं की कर रहे ने, सियासत कर रहे ने, सियासी जमात है। तू नवाज शरीफ दे कलमे पढ़ना है ते नवाज शरीफ दा तू कहना है कि बड़ा अदल पसंद और बड़ा इंसाफ पसंद और बड़ा नेक आदमी। असी ते कदे स्टेज ते बैठ के, मेरी पुरानियां भी सारियां देख लो, कदे किसे जगह ते तेरी क्यादत ते इल्जाम तराशी नहीं कीती, बनदा नहीं साडा, सियासी करी दी है। तू जिसले को अमल अंदाव चौधरी हो, मैं तुहानू देख लांगा, मैं चौधरी तू देखदा ते किसे नूं नहीं पुत्तर, तेरे अंदर हराम इतना गए है, देख तुसी तू लगना, देख तू सानू नेम राजा नूं देख। मैं अज तैनू कहना, इस जमाने तू क्या सी, अज मैं तैनू कहना, तू चौधरी अब्दुल मलिक दा बेटा है, है सबर कर, तू आवाज दे मनु, टाइम दे जगह मुकरर कर, मैं तैनू देखा कि तू की है, की तेरा वजूद है और तेरे हवारीए की ने। हराम खाने वालियां दा काम नहीं तलवार चुकनी, मजलूम दा काम तलवार चुकनी, और अल्लाह और अल्लाह दा रसूल जिहदे ते राजी होवे मैदान ओहदा हुंदा। बदरदा तू मेरा खा रहा है, मेरे घर विच रह रहा, और असीं इंतजामिया नूं अदलिया नूं सारिया नूं एप्लीकेशन दे चुके कि यह साडा हिस्सा खा रहा है, साडे घर ते काबज है, मेहरबानी की जाए, और उन्होंने उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कई साल। जिहड़े लोग इस डगर ते चल रहे ने उन्होंने तू कहना है कब्जा ग्रुप ने, माफिया ग्रुप ने, और की पता, वो पता ग्रुप ने, है ग्रुप पंजर ने गुलाम आ, अल्लाह के बंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती आ, अल्लाह बैद दे गुलाम आ, मौला अली सरकार दे मरीद आ, है ही ग्रुप है नहीं ब्रदर। अगर अल्लाह ना करे मैं किसी नाल ज्यादती करके किसी को मंगिया ते अल्लाह दी बारगाह दे विच मैं गुनाहगार होवांगा, मैं हक तो मंगना, जिहड़ा भी उहदा हवारिया मेरी प्राप्ति दे विच हुंदी, मेरी जमीन दे विच हुंदी, जो कि साडी सारिआं भाईआं दी है, कोई खरीदो फरोख्त करेगा उहदे विच असीं सारे भाई बराबर दे हक दा, उह सब दा हक। अगर इहनूं पुछणा नजायज़ है ते फिर अगर तुसी अपने हक नूं पुछदे हो, हक दा दावा करदे हो, इहदा तुहानूं शरीयत भी इजाजत दिंदी है, पाकिस्तान दा कानून भी इजाजत दिंदा है, ते ओह असीं जरूर करांगे, क्योंकि असीं पाकिस्तानी शहरी ते मुल्क साडा है, और साडा साडी आवाज बुलंद करन दा हक सानूं इस मुल्क ने दित्ता होया। मजीद मैं फिर कहांगा, ऐ तनवीर शबीर, ऐ मौलवी तरीक वाए, तुहानू चौधरी मालिक नहीं देखिया ना जिन्ना बेटा मैं तुहानू देखिया। अब्दुल रज़ा अपना वक्त याद कर, मेरा पुत्र तेरे तन ते कपड़े भी नहीं रज़ा दी कमाई दिंदे सन सारे भाइयां, मैं अपने बच्चों नूं पिछा करके तुहाडी जिंदगी नूं खूबसूरत करन दी कोशिश की, अल्लाह ने मैनूं कामयाब किया। तुसी ते मेरे बच्चों नाल भी जुल्म कर दिता यार, तुसी ते मेरे ओथिया तां ही पहुँच गए हो, मैं सबर नाल बैठे हाँ, मैनूं गलत आवाज़ा ना करा, तेरे विच जुड़ते ताकत रखना है, समझना है, अन्ना अन्ना मेरे को कुवत है, अब्दुल मालिक का बेटा है, टाइम और जगह तैयार कर, तैन जवाब दे देने हैं। उस छतरी तो थले निकलती जिस छतरी का नाम चौधरी अब्दुल मालिक, तो फिर तैनू असं पूछने, तो चौधरी बरादर मेरा सियासी तल है, वजह साहब मेरे भाई भी ने, दोस्त भी ने, और अज भी उन्होंने मेरी गल हुई है, सबर दे ही कहने, हुकूमत है, मेरा तुहाडी आवाम अगे सवाल है, हुकूमत भी है, इकतदार भी है, क्या चौधरी बरादर ने मेरे को ज्यादती कराई, क्या वो चाहते इन चुप के बाहर नहीं मरवा सकते इंतजामिया को, फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़े भाइयों में कोई खराबी ना, तो हर वेले उन्होंने आवाजा मारनिया छे थले लेवल से आ, अभी तेरे को बैठे, तेरे दाएं बाएं बैठे, तेरे करीब बैठे, डेरा चौधरी अब्दुल तो बहर अब्दुल मालिक तो बहर निकल के मनु आवाज दे, मैं तेरा इलाज कर लाँगा इंशाल्लाह, और तेरी असल हालत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा ते दिन ब दिन सामने आती है, तेरी पोजीशन यह होगी है कि तेरे दाएं बाएं उन्होंने लोगों को तू बिठा के अपने भाइयों के इल्जाम लाना है जिन्हों का अपना करना है, मेरी उन्होंने कोई लड़ाई नहीं। इस गल मेरी आवाम अगे भी गुजारिश है और तेरे मीडिया अगे भी गुजारिश है, कोई भी गल कर लिखन तो पहला थोड़ा वो ते गौर फिक्र करो, अल्लाह ने फरमाया हर काम से गौर फिक्र करो फिर वह फैसला करो। इंतजामिया के भी गुजारिश है कि इस इलाके को अमन दे विच ही रहन दियो, इसे लालच अवज पै के वह काम ना करो जिस इंसानी जाना का नुकसान हो, मैं कतर नहीं चाहता किसी इंसानी जान का नुकसान आए,
मैं कतर नहीं चाहता कि किसी का हक मारिया जाए, मैं कतर नहीं चाहता कि अगर मेरी अपोजिशन या साढ़े मुखालफ ग्रुप जड़े या जमात ने चाहे वह नून लीग या होर कोई जमात है उन्होंने कोई मैं तंज करा या मैं कोई इल्जाम करा, असं साफ और शफाफ सियासत करनी है, चौधरी ना करनी है। तेरा वस को नहीं चलता पे, तेरा डेरा गैरबाद हो गया, तेरे लोग तेन छड़ के काबली भी शमूलीयत करते हैं, पहला कौन करता है? तुम्हें अपना सियासी पिड़ ला लिया, असं भी ला लें, फतेह मिल जाना बंदा होंगी हर मुकाम से हर जगह से सियासी अमल भी तेरे न भरपूर तरीके तेरा मुकाबला करा इंशाअल्लाह ताला। तो जे कुछ दूसरा काम करना चाहना है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल भरपूर तरीके तेरा मुकाबला करा, दो कामों फतेह मिल जाना बल्ले ही। मैं तो नहीं कोई बड़ा बोल बोल सकता, अल्लाह की रजा तो बगैर तो कुछ भी नहीं होता। फिर आखिर तो मैं थोड़ा सब का मशहूर हाँ, और जे अगर मेरी वजह तू किसी बंदे को तकलीफ कोई इज्जत हुई है, मैं मीडिया के सामने उन्होंने को माजर चाहूँ, अगर मैं किसी गुस्से भी किसी गल कह दी वो भी मैं माजर चाहूँ, लेकिन अब्द रजा कोई माजर नहीं। अब्द रजा मैं तुम्हें दोबारा समझाना पाया कि यह जी जायदाद के लिए तू बैठे सत भाइयों की जायदाद, तू कला वारस नहीं बल्कि तू वारस है ही नहीं। मैं ये भी साबित करा कि तू कि चाहता है मेरे वालदैन का, वह तेरी के तरीक है, और दूसरों का भी साबित कर दिया। लिहाजा सियासती कर चरड़ता ना कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत मनु जिस जमात ना मैं खड़ा उन्होंने मुखलस रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मनु कोई भी काम कर लगन तो पहला मेरे इलाके की वाम और मेरे कोटला और बली खाना मुखलस रखे। मेहरबानी, शुक्रिया। कोई दोस्त सवाल करना चाहे स्टेप बाय स्टेप? तो सब सबसे पहले एफआईआर की जरूरी आ जाते हैं, पंजाबी जी कर लो यार, मैं एफआईआर बल्ले आ जाने जनाब, नहीं नहीं इल्जाम लाया कि जनाब जी 1 करोड़ रुपया उन्होंने को पता मंग गया जिदे जे 10 लाख रुपया तुसी उन्होंने को वसूल भी कर लिया, ठीक हो गए 5-5 लाख रुपया करके, ते इस गल दी कितनी सदाकत है, ते असल इशू है कि वो तो कह रहे हैं कोई कोई बीवी को मैं मंगे बेटी है मेरी भी जवाब देंगे। अगर ओके मैं 5-5 लाख की बीवी को लिया हो मैं अल्लाह का भी गुनाहगार पहला, क्योंकि खौफे खुदा पहला मनु, बाद मैं दुनिया का भी गुनाहगार। मदसर स्कूटे मामला जेड़े आए वादिया करा इंशाला तला जवाब भी देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह भी कामयाब। सर जी एफ आई आर हुई है सियासी बुनियाद हुई है या के पुलिस प्रेशर दी इंतजामिया प्रेशर दी वजह नाल हुई है? सियासी बुनियाद भी कह लो ते पैसे दी बुनियाद भी कह लो, दोनों काम होए ते दोनों दा असीं ऐसे तरीके नाल जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, इखलाक दे अंदर रह के और यही है ना कि मैं कब्जा नहीं होने दिंदा, मैं अगर कोई खुदा ना खास्ता पुलिस अफसर ज्यादती करता है तो खिलाफ ही स्टैंड ला जाना। मैं तो कोशिश कर रहा इसे कहते खुद पता करो भी एफ आई आर भी पे आ गए इंशाल्लाह अज़ीज़, मैं कोशिश कर रहा और मैं ये बारे जी वजाज साहब नाल हुसैन नाल मूसा साहब नाल परवेज साहब ताई ये पैगाम भेजी है अपनी क्यादत को कि साडे शहर साडे इलाके दे विच ज्यादती हो रही है और ये साडी को मदद फरमाई है, कोशिश करना करता सा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगो भी करा नाले भी दसदा जाए जिन्हे कब्जे ग्रुप खरा कोई हो रहा है जो 2-3 बंदे बैठे ही मेन ने अब के कोई हो रहे जो कोई हो रहा है तो दसो का भी इलाज कर लेंगे।
ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ਰ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਦਸਰ ਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੋ ਮਦਸਰ ਆਪਦ ਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਕੋਟਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਮਾਂ ਕੋ ਬਹਿਣ ਕੋ ਬੇਟੀ ਕੋ ਸਾਥੀ ਕੋ ਜਵਾਨ ਕੋ ਬੱਚਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰਬਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। Thank you.